जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम मध्याह्न समय भक्तों अनुभूति को आपण मानक स्वागत करुच्ची सिंहद्वार सम्मुखर भक्त तो रही अनुभूति तो पाखे अच्छी कितु आपण अनुभूति को आसवा पूर्व रथ कला भितर थे रथर कि भाव में रथ कलार तत्परता रही सेवक मान संपृक्त सेवक रथ निर्माण आउ रथ अल्प दिन भितर आप रथारूढ़ भगवान को दर्शन करेंगे बामन रूप से रथरे प्रभु को दर्शन कर अशेष कृपा लाभ करेंगे ये भक्त मान मन भितर तत्परता रही से समय आसव। जय जगन्नाथ टीवी रे बिना विज्ञापन विरती आप रथयात्रा एथर रथयात्रा निश्चित भाव दर्शन करेंगे तेरे वर्तमान आरंभ करवा आम मध्याह्न समय भक्त को नहीं अनुभूति कार्यक्रम प्रथम भक्त को स्वागत करवाकर अनुभूति आपण कौन रखिंट। जय जगन्नाथ कौन ना टे कह कौट निरंजन मंगराज गड़ावलद्रपुर कणास पाखा गड़ावलद्रपुर कणासुरु आँ कह आपणकर अनुभूति कार्यक्रम ये आप आसिले निश्चित भाव में भगवान आपन को विपद रु उद्धार करथिबे नाथ जगन्नाथ। हाँ थरे मो पुअर देह खराब होता मुझे मेडिकल नहीं आसती मेडिकल आसापर डॉक्टर मत मना करते ये आठ भल हेबना तेणु आम स्वामी स्त्री कांदिलु कांदिया परे से पुआ आमर डाकिला जगन्नाथ मो बाप कांदुंछंती मत भल कर दि प्रभु से रात आ मुंडे हाथ मार हाथ मारा सी देखला ठाकुर सेठू चली जाइंट आमको आसिक कहला तुम कड़े जा मो मुंड आसिक जन आउसले मुझ देख ला बेलू से झरका देकर चलीगले सेठ आम जानल ठाकुर आम प्रति आशीर्वाद कर पुअर कौन होता एमती विपद होता जी आप दुखने कांदि पकड़े पुओ भी प्रभु कृपा एमती पाइला कौन होता घटना सी जो तारपिन गुड़ा पी दे तारपिन पीदा पर डक्टर कहले तार सब स्पट हो भीतर जाक स्पट हो तेणु तुम्हें नहींक्र पला कटक कटक आउ कौन जीव से डक्टर जो बुलिक आसिले कहे ना तुम कटक जबार ना तुम पिला बर्तमान भल अच्छे से आम ठाकुर को मुंडिया मारी जगन्नाथ को आशीर्वाद नहींक्री गल प्रकृत से डक्टर जिते कहले पुओ प्रति विपद अच्छी कि हटात प्रभु प्रति आपणकर विश्वास आसला पुअर भी विश्वास आसला डक्टर औषध औषधपत खाइला पर आरोग्य लाभ औषध कहले छुआ को नहीं जाओ ये जो ज्वर टी रोला मुझे कहते ज्वर रोचे ना ना डक्टर कहले नहींगले से पिला खियापिया कलापर से भल आसीज बड़ विपद निश्चित भाव में टल ठाकुर टल जगतर नाथ जगन्नाथ कोटी कोटी से भाव अच्छे आज कांदी पकोचंते महाप्रभु आपण पिला को बंचाई ए कथा कौन बाप ही के भूलिबे ना महाप्रभु के भूलिबे धन्यवाद देवी आपण अनुभूति पाई। जय जगन्नाथ एमते अनेक अनुभव भक्त मान ही प्रभु पाई ये गोटे दुखद घटना बापा टीए जिते देखुं पुओ तार आखि आगे भल अच्छे मंद अच्छी कौन हम डाक्तर भी एक कहले तथापि गोटे भरोसा गोटे आस्था गोटे विश्वास प्रभु पाखे से प्रभु ही जहाँ करेंगे जिते समर्पित निश्चित भाव आप कौन घटला क्षेत्र में आपे अनुभव कले भक्तिर कथा आउ जे भक्ता अच्छा भी निश्चित भाव में अनुभूति अच्छी आपण आम ये कार्यक्रम में जय जगन्नाथ आपणकर ना टे कह कौट आ मो ना संयुक्त बारिक मुझे हिंगुलाधाम हिंगुलाधाम आसे हिंगुला धाम रु जेते बेले आसी पहुंची गले बिमलांकर धाम ये आज्ञा आज्ञा सेठी उपासित होउचंती हिंगुला एठी बिमला आज केमिति ए अनसर समय रे आसीबा को चिंता कले मु बहुत दिन आसीबा पे भाबुतिली किंतु पहरने राती रे मु जगन्नाथ को स्वप्न रे देखिली महादेव भी स्वप्न रे देखिली तो आ मन संभाळिलानी त आसीबा पे बाध्य होली आ जगन्नाथकर डाकरे आसला त केमिति न आसीबी त सेठी में आसले दर्शन करे पे आसले समस्ते कहते जगन्नाथ जिते बड़े डकरा हुए बसवा स्थान लोक उठिके आसब आपण से बसवा स्थान उठिके आसी केमी आसी पूरी की आनी ना कौन कह दर्शन सरी पटीदी दर्शन सरी पटीदी दर्शन सर भितर को जाए पटीदी दर्शन ये अनुभूति कहना बहुत दिन चिंता करी कि सुविधा कभी हुए नहीं कारण मुसवा टाइम अलरेडी अनुभूति सरी जाए आज से सुविधा मिली ठाकुर से अच्छी कृपा अच्छी मुझे अनुभूति कहना आसी
अनुभूति कहवापी आप सुजोग खोजुले आज आपण को महाप्रभु देखते आप निजे स्वीकार करेणु भक्तर भक्तिर कथा थी प्रभु अनुमति दे कौन आपणकर अनुभूति घटला किसी मस तीन चार मस पूर्व मो हजबैंड पेट मानते काटा स्टार्ट है तो से जो डक्टर कटक जा देखले डक्टर कहले नाई पेटर स्टोन अच्छी तो से मेडिसिन कंटिन्यू कले मेडिसिन खाला भी सेकेंड टाइम जो टेस्ट कले से भी सही जिनस डक्टर कहले कि स्टोन अच्छी तो डक्टर कहे यहाँ अपरेसन कंपलसरी अपरेसन नक ये क्योर हेनी तो आम भुवनेश्वर गलु तो जो दिन अपरेसन से बाहर घर मुझे कहली तो जगन्नाथ को मुंडिया मारिकी जा और निर्मालीय भी देखी निर्मालीय खाओ और भगवान को डाकिल भगवान से भलर भलर आसतु अपरेसन मानते बहुत भय आमको भी बहुत भय था कौन हम न हम तो भगवान पाखे मुझे प्रार्थना कली से जमी जाए भलर आसवे कितु भावि नी भलर आसवे मानते तमें जो भुवनेश्वर देखे टेस्ट कराला तो डक्टर कह पेट स्टोन ही ना तो सेटा सब बड़ अनुभूति जोटा कि भावी ना जो जन जापरेसन जो बिना अपरेसन भल हो आसपारे भगवान का कृपा छड़ा कौन भगवान कृपा से करते मो हजबैंड भलर भलर आसे किसी अपरेसन नहीं किसी ना डक्टर हस्पिटा आडमिट है जितने टेस्ट कराला किसी बाहर डक्टर कहे ना ये किसी नुहे आपंकर किसी स्टोन ही ना आप पूरा नर्माल अच्छा ठीक अच्छा तो डिस्चार्ज करते हस्पिटाल तो से मोर बहुत बड़ अनुभूति ये तो निश्चित गोटे बड़ अनुभूति आप कहे निर्माल्य कणिका बा निर्माल्य टिके पाइदेबाकु जेतेबेले स्वामी को आपण देइछंती स्वामी बाहर बाहरी मेडिकल निश्चित अपरेसन हम अपरेसन प्रस्तुत होकर बाहर आपण मनरे हठात आसला निर्माल्य जदि अपरेसन ओटिकी किए साधारण जाए कौन सी प्रकार ओटी अपरेसन हो आम भगवान को धरी था भगवान निर्माल्य टे खाई ए हठात ये चिंता आपर कहीं आसला निर्माल्य टे खाई जाऊ भगवान के मोर विश्वास थिला एक्चुअली जय जगन्नाथ चैनल पर मोर ठाकुर विश्वास बहुत बढ़ी गला आ मुझ जो जिन भगवान को मांगे से जिन भगवान मतलब जमीती भी देखते टाइम लगे बट दे सब जिन मो क्षेत्र में हो मो छुआ क्षेत्र में हो कि मो पर क्षेत्र में हो जहाँ भी मांगे भगवान मतलब देखते मोर से विश्वास अच्छे मुझे भावी नी मैंने विश्वास था कि भावी नी मैंने अपरेसन बोली गोटे बड़ जिनटे हेनी बोली भावी नी कि भाई जमी भल भल आसमें मुझे भगवान को प्रार्थना करी कि एत बड़े जिनस भावी नी से मो बहुत बड़ अनुभूति था कि गोटे निर्माल्य कणिकार जो जनकर मैंने किसी न हो कि गोटे लोक घर को भल आसपारे ताठ गोटे अनुभूति कौन अच्छे ठीक कथा आप निश्चित थी अपरेसन हम कहीं डाक्टर जितेबाला कहते आम तो डाक्टर कथ स्वीकार करवा तेणु से कथा सत्य आपण कितु निर्माल्य टे खाई जाओ से कथा आपणकर भावना भितर थिला तेणुक से भावन जितने निर्माल्य कणिका टे सी एभली मिराकिल हम बाई आश्चर्य कथा हम आप भी निजे विश्वास कर ना विश्वास के सतरे करी मुझे चाहिए तू जा भल भले ओटी को जी मैंने जड़े जीव ओटी मैंने समस्ते भयर आम घर समस्ते भयर थे कितने एमती मिराकिल हम बोली मुझे भावी नी मैंने बिना अपरेसन जन आस रिटर्न कर भलर भले से मुझे भावी नी ए पूरा सुस्थ अच्छा पूरा ठीक ठाक अच्छा आपण कह कथा अपरेसन भल हो निर्माल्य देते निर्माल्य खाइबा पर अपरेसन ही आवश्यकता पड़ला सेटा से तो भगवान को मोर विश्वास जहाँ थी आहुरी बढ़ी गला मैंने जोटा मुझे भावी नी से जिन भगवान करते आउ विश्वास कौन अविश्वास कला भाई जिनस किसी ना भगवान पाखे बहुत विश्वास मोर भगवान से ही दिन टू भगवान प्रति विश्वास आसीगला उचिष्ट निर्माल्य प्रति मत प्रगाढ़ विश्वास आसीगला जे निर्माल्य एत महनीयता रही पवित्रता एत उपकारिता रही सी हूँ सर्वमौषधी महाप्रभु निर्माल्य हाँ निहाती मुझे देखी से कौन है मुझे देखी ना तो ताल बर्तमान में मो झी को मो हजबैंड को कहे मैंने सका गाधे सारापर ठाकुर को प्रणाम करके निर्माल्य पा मो झी मो स्वामी भी डेली निर्माल्य से गोटे थर जो विश्वास आसी जाए से विश्वास आउ भांगी न थाए अतुट रही था महाप्रभु रखी था थरुटे निर्माल्य खाई अपरेसन आवश्यकता पड़ानी पेटर स्टोन कुआ अंतर्ध्यान होती तेणु से ही मार्ग को आपने ही नले प्रतिदिन स्नान करी आमे जदि निर्माल्य खाइबा तबे रोग आपको शरीर को स्पर्श करिवा ना भगवान कर कृपा थिले सेटा भी हबो कारण मो झियर भी सेमती किसी प्रॉब्लम थिला बर्तन से प्रॉब्लम मो झियर भलो हो जाई छी कोन हे छी पुनी झियर प्रॉब्लम हला पुनी निर्माल्य आपण झियर छुआ बले तटे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम थिला जोटा कि मेडिसिन मते दबा को पड़े मैं लैट्रीन करने विकली गोटे थर तक मेडिसिन देवा पड़े एटा कंटिन्यूसली तीन वर्ष चार वर्ष चला मो भगवान करी प्रार्थना करी प्रभु मतलब बहुत कष्ट मो झी भी बहुत कांदे तर मत भी भल लगे से जिनसा मो झी बहुत कष्ट
तो भगवान को देखिले प्रभु मोर केमती मो झियर माने नॉर्मल केमती से करू जोटा कि से लैट्रीन जाए कि से नॉर्मल करू जोटा कि मते मेडिसिन आवश्यक कि हॉस्पिटल आवश्यक पड़का ताको नै कि मो बहुत किछि हॉस्पिटल जिबाको पड़िछि तो सेटा भगवान देखिले प्रभु तार केमती एही सब जिंस हेइ जाउ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम अछि तो बर्तन सेही जिंस मोर मो झियर एबे 5-6 मास ला सेही दिन मोर तार ठीक हेइ जाइछि से निजे एबे लैट्रीन जाए कि निजे तार करूछि एही प्रॉब्लम त मेडिसिन दरकार हि पड़ुनि ताको से निर्माल्य गाधी सारे परे झीव को निर्माल्य आज्ञा से खाऊ डेली आसे गाधी के आसला परे से ठाकुर को प्रणाम करके डेली निर्माल्य खाऊ मो स्वामी भी खाऊ तांको भी कहो तुम डेली निर्माल्य खाओ से भी खाऊ छथि झीव खाऊ छी बाप खाऊ छी मां खाऊ छी कि नहीं मु खाऊ छी मु त खाऊ छी बोले समान को कहै छी मु न कहै समान केमति कहबी मु खाऊ छी बोले समान को समान भी सब डेली गाधी चले पर निर्माल्य टिकट पाउ छथि से मान को जो माने कार्यक्रम देखु छथि से मान कोन कहिबे निर्माल्य पाइबा द्वारा कोन ए भगवान को परे विश्वास करंतु आग भगवान को विश्वास करबे निहाती आवश्यक खाली निर्माल्य पाइले किछ नहि भगवान को विश्वास करके निर्माल्य पांतु सेरे देखो त आपन को सब असुविधा जहाँ कष्ट थिबो भगवान को मनरु प्रार्थना करंतु भगवान सब जिंस आपन को सहज कर देबे आमे भगवान को डाकी केति बट आछो भगवान आज भी तालचेर बाहर के आछो राती रु टिके भोर जल्दी बाहर के आछो भगवान को डाकले प्रभु जाउछो वर्षा दिन तो टिके हम चाहुतले एते दूर रास्ते आज भी रिटर्न करिवार अछि तो प्रभु हमें केमती आसीबो भलेरे भले आपन को दर्शन हबो हमें आसी के पूरे भलेरे दर्शन करकि जीवो भगवान को डाकि जते बाटे आसीलु भी एपन तो भलेरे हमें जाय छी अनुभूति कहरे बहुत इच्छा थिला सेटा बेजी पूर्ण हेगला सेटा बहुत बड़ कथा आउ भगवान को पर्यंत एपन हमें भलेरे भले अछि गला बेल को भी हमें जतले जीव गला बेल को राती भी हे जीवो तो भगवान का आशीर्वाद रे हमें भलेरे भी पहुंचि जीव एटा विश्वास पूरा अछि भलो चिंता रखितिले भलो कार्य हुए तेनु करे आपन महत चिंता प्रभु को पाखु को आसी दर्शन अभिलाष नहीं अनुभूति कहे मन भितर थिला तो सब परिपूर्ण कर महाप्रभु केवल घर को अच्छे बाकी जीवार दर्शन करके घर को जातु धन्यवाद देवी अनुभूति जय जगन्नाथ प्रकृत आम से भक्त भक्ता मानक आम कह प्रतिदिन जी आम स्नान करी प्रभुंर से निर्माल्य कणिकाए खाइबा प्राप्ति होगा निश्चित भाव विश्वास सहित प्राप्ति होगा शरीर में कौन सी प्रकार रोग स्पर्श करना निजे से जे अनुभवी अनुभूतिर कथा कहीदे कि गले निर्माल्यर महिमा निर्माल्यर महात्म्य अनेक पुराण शास्त्र वर्णना कर महाप्रभुकर से कणिकाय निर्माल्य तार कौन रही महिमा से कथा मत साधारण भक्त अनुभव करवागत करवा आज जड़े भक्त अच्छा प्रभु को दर्शन करेंगे दर्शन सारी आपण को अनुभूतिर कथा व्यक्त करेंगे ये चिंता भी मन भितर रखिंट जय जगन्नाथ ना टिके कहे भाई कोठ आस बापी बेहरा जाजपुर पानी कोइलु आस पानी कोइली जाजपुर पानी कोइली पानी कोइली से ढाबा आज्ञा से जो टिकर छक अछि सेई गा हो एकाना आ संग साथी आस नहीं घर परिवार आसन मा आसन भाई आइजन बाउज मिसर से भी आछन्दी परिवार सहित बिरजा क्षेत्र रु श्री क्षेत्र प्रभुंकर क्षेत्र को एही अनवसर जानिथिले ए जो समय रे आसीचन्ती प्रभु असुस्थ अछन्ती जानि के आछन्ती दर्शन करिया आज्ञा आज्ञा एमती गोटे आम घर प्रतिष्ठा बोल कि नाक कहले जा प्रभु दर्शन कर से मनस्थ कलु आज आसपाई नुआ घर टे कर आज्ञा जामे नुआ घर करू कि कौन से शुभाशुभ कार्य करू प्रभु को आग जन था ना कौन कहे प्रभु को आसी गोटे भल खबर जनवाकूँ दुख आपणकर ना तथा अनुभूति कार्यक्रम को आसी कौन जीवन रोटे अनुभूति कहवापी आप स्थिर करते आज आसे दिन कोई दिन कौन घटला कहले अनुभूति आज्ञा मु काली राति रे सोइली 11टा बेले सका राति 2टा रे उठिलु 2टा उठला परे छाती पेन हैला पेन हैला प्रभु को निश्वास मारी भी कष्ट हैला प्रभु को डागली प्रभु मु छाती तो यंत्रणा हो जी केमिति जीवी मु नगले परियात तो जीवेनी मना कर देबे से प्रभु को डाकिली प्रभु सेमती आपण कृपार मुझे जागत हम एमती प्रभु को डाकिक आसली अधा बाट आसी छाती जंत्रणा अधा कमीगला एवं अल्पिका होती जंत्रणा अधा पर कमी जा प्रभु आगे मु भल पूरा भल लगुच कि जंत्रणा लगुनि मत प्रकृतरे जो अनुभव कथा आपण कहते निजर कंठरोध हो जा कह भी पारना प्रभुंर कृपा करुणा को ये अनुभव आपड़ कर जो जंत्रणा घरे होता
ଆପଣ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଉପଶମ ପାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଧାରଧାର ଆସିଲାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ ନ ରଖିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମିତି ସମ୍ମାନ କଲେ ଆପଣ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ସବୁ ଭଲ କରିଦେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଜଣେଇଲି ସେ ତ ଭଲ କରିସାରିଲେଣି। ସେଠୁ ତ ମୁଁ ପେନ୍ ହେଲା, ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇପାରିଲିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ତ ଅଧା ବାଟରେ ଆସିଛି, ପୁରା ଅଧା ବି ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବି ମୋତେ ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆସିଲି ତ ଚାଲିଛି, ଚାଲିକି ବି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲିନି ରାତି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବେଳେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ତ ପୁରା ମୋ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ଭଲରେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ରହୁ, ସେ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତଥାପି ଟିକେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗଲେ ଏଠୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ତ ବିନା ଔଷଧରେ ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଭଲ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତା ଜଣକ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକାଏରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆରୋଗ୍ୟ, ଝିଅ ଆରୋଗ୍ୟ, ସିଏ ବି ଆରୋଗ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ସବୁ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣାଉଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ରୋଗରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନୁଭବ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତାମାନେ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ନାଁ ଟିକେ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଫୁଲଣା ସାହୁ, ବାଲିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲିଆରୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଅନୁଭୂତି ଦେବିଲି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେ, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେ। ମୋବାଇଲରେ କାଇଁ, ଘରେ ଟିଭି ରଖୁ ନା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ଟେଲର ଦୋକାନ, ତ ମୁଁ ଘରେ ରହେ ନା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୋକାନ କାମ, ଦୋକାନରେ ଟିଭି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେ। ଯାହା ହଉ, କର୍ମ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାବ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଉ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଦିନନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦିନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବାକୁ? 2021 ମସିହା ବୋଉର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ହେଲା, ବୋଧେ 15-20 ଦିନ କି 18 ଦିନ ଭଳିଆ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲାନି, ସବୁବେଳେ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି, ମାନେ ଦେହ ଖରାପ। ସେତେବେଳେ ବି କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଥାଏ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଔଷଧ ଆଣିକି ଦେଉଥାଉ, ନେଇକି ଯାଉଥାଉ ମେଡ଼ିକାଲ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁନଥାଉ, ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଥାଉ। ରଖିଲେ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନା, ସବୁବେଳେ ଦେହ ବେଶୀ କାଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନ ରଖି ତାକୁ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇ ଜମା, ଲାଷ୍ଟକୁ ବହୁତ କାଶ ହେଲା, ଜମା କମିଲାନି, ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ବି ତା ପେଟରେ ଠାକିଲାନି। ସେଠୁ ତାକୁ କଟକ ଆଣିଲୁ, କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ବି ସେତେବେଳେ ସବୁ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ବି ବାହାରୁଥିଲେ, ସେଠୁ ତଥାପି ଡର ଲାଗିଲେ, ଆମେ ଆଉ ସେଠି ନ ଆଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ, ସେଠି ଇସିଜି ହେରିକା କଲୁ, ସେ ଡକ୍ଟର ସେଠୁ ଦେଖିକି ଇସିଜି କରି କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ହେରିକା ଖାଇଯାଇଛି, ସେ ଟିବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ କିଛି ଖାଆପିଅ କରିବନି, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ମାନେ ଦୂରେଇକି ରହିବ, ଖାଆପିଅ ସବୁ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମିଠା ଭଲମନ୍ଦ ଖାଇବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେଠୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା, କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି କରିବୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରୁନୁ କରୋନା ସକାଶେ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲୁ ନା, ତାକୁ ସେଠୁ ନେଇକି ସେ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ସେ ଘରକୁ ନେଇଗଲୁ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ସେଠୁ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଏମିତିକି 18 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଆମର ନଥିବା କଥା, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ 18 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଆମେ ନେଇକି ଗଲୁ, ଯେଉଁ 10-12 ଦିନ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା 5 ଦିନ ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ତା ପେଟରେ ଠାକିଲାନି, ସବୁ ମାନେ ଖାଲି ବାନ୍ତିରେ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ, ମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା। ଆମେ ସିନା ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲୁ, ଠାକୁର ତା ପେଟରେ ପାଣି ଟିକେ ଠାକୁନି, ସେ କେମିତି ତା ଦେହ ଭଲ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସିଏ ହିଁ ବାନ୍ତିରେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାର ସେ ରୋଗ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ତା ପେଟରେ ସବୁ ଯାକ ପଶିଥାନ୍ତା ନା, ତା ଦେହ ଆହୁରି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା। ତା'ପରେ ଏମିତି ଦିନେ ସେଠୁ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲାନି, ସେଠୁ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି, ମୋତେ ନହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଠି ନେଇକି ଚାଲ,
ସେଠୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ସେଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇଗଲୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନେଇଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖିଲେନି, ଆଗେ ଆସିକି ମାନେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖିଦେଲେ। ୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଖାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, 3 ଲେଖା 9 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା, ମାନେ ସକାଳେ 3, ଗାଧୁଆଳୁ 3, ଆଉ ରାତିକି 3 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା ପରେ ସେ ବୋଧେ 4-5 ବେଳକୁ ତାର ଟିକେ ମାନେ ହୋସ୍ ଆସିଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା, ଭୋକ କଲା ତାକୁ, ଆଉ ଯାହା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲା ତା ପେଟରେ ଠାକିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଠାକୁର ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ତାକୁ ଭରସା ହେବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକି ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ, ଠାକୁର କିଛି କହିହେବନି, ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ତା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ସିଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ନାମଟାକୁ ଲଗେଇକି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରଖେ, କିଛି ନହେଲେ ତା ନାମଟା ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମଟା ଟିକେ ତା କାନରେ ବାଜୁଥାଉ ଭାବିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ରଖେ। କେତେବେଳେ ଟିକେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼େ, ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଦିଏ, ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ତାକୁ ସେଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ଯାହା ହଉ 9 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତା ଦେହ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। କେହି ବି ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଆଉ ହବ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ସିଏ ଆଉ ଭଲ ହବ। ମାନେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ, ତାର ଯଦି ଆୟୁଷ ବଳ ଥିବ, ଠାକୁର ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇକି ନେଇକି ଆସିବେ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ସେଠି 6 ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲା ପରେ ସେଠୁ ସିଏ ଭଲ ହେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏତେ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିଲାର ଭଲ କରିବେ, ଭରସା ଅଛି। ସିଏ ଯାହା ବି ହେଲେ ନାକ ଯାଙ୍କେ ପାଣି ଆସିଲା ଯାଙ୍କେ ସେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଠିକ ମାନେ ସତ୍ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ନା, ଠାକୁର ଜେନେ ତେନେ ପ୍ରକାର ତୁମକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଉ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ଏଇ ଭରସା ରଖିକି ଆମେ ଯଦି ରହିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପି ଯିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ତ ହରି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇବେନି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ।